करेक्ट है, बस ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बस ऐसे ही चेक करना, जिसमें भी डायमेंशन सेम बैठ जाए बस वो आंसर है। सही है। अब आंसर देखो कौन से ऑप्शन में रखा हुआ है, ये डिपेंड करता है। अगर पहले ऑप्शन में ही है तो सही है, फौरन आंसर आ जाएगा। चौथे ऑप्शन में रखा है तो फिर तुमको तो सभी सॉल्व करना पड़ेंगे चारों के चारों। पहले में रखा तो टाइम बच जाएगा तुम्हारा, और अगर चौथे ऑप्शन में सही आंसर रखा है तो फिर उतना टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। सही है। अब ये जैसे फार्मूले हैं तो इसमें हमको चेक करना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये फार्मूला तुमको याद होगा, ये सेटेलाइट का फार्मूला टाइम पीरियड का, टी बराबर 2πr³/g। लेकिन सवाल तुमसे जब पूछा जाएगा तो उसमें ऐसा फार्मूला दिया जाएगा जो तुमको याद ही ना हो। जैसे ये था, अभी लिखा था हमने πδ PR³, तो ये ज्यादातर लोगों को याद नहीं होगा फार्मूला, जबकि है तुम्हारे सिलेबस का ही। सही है, ये फार्मूले हैं, टी बराबर 2π√L/g है, तो ये सब फार्मूले याद रहते हैं, तो ऐसा दिया नहीं जाएगा, थोड़ा कठिन लेवल का सवाल तुमको दिया जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगले में हमको दिया है इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस, ये दी है P+A/V² और (V-B) = RT, ये दिया गया है। ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्या बोलते हैं इस इक्वेशन में, वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, रियल गैस के लिए क्या आइडियल गैस है? अरे रियल गैस के लिए होती है ना ये, आइडियल गैस के लिए क्या होती है, आइडियल गैस के लिए क्या होती है, PV = RT। उसी में तो PV = RT में तो थोड़ा इधर उधर करके ये इक्वेशन बनाई थी इनने, बांडर ने। अब इसमें ये बोलना कह रहा है, ये जरा जो A लिखा है इसकी डायमेंशन बताओ, डायमेंशन तो कैसे लिखें इसे। अगर हम इस फार्मूले को, मतलब ये जो लिखा है इसको अगर डायमेंशनली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डायमेंशनली कैसे लिखेंगे, क्यों भाई बताओ कैसे लिखेंगे डायमेंशनली, कुछ A = PV² इसका मतलब P = A/V² के, तो A = क्या हो जाएगा, PV² के। सही बात है। क्या क्या रूल लगाया इसमें हमने, कि हमने अगर दो चीजों को जोड़ा है तो ये जोड़ तभी सकते हो जब इन दोनों की डायमेंशन सेम हो, वरना जोड़ ही नहीं पाते। तो यहां से इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, ये जो लिखा पूरा इसके, और अगर इसकी पूछी जाती तो ये किसके बराबर हो जाती, वॉल्यूम के यानी L3 के। बस अब निकाल दो ये की डायमेंशन, प्रेशर की तो मालूम ही है, प्रेशर की क्या होती है, ML-1 T-2, ये हो गया प्रेशर। और वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम की हो जाएगी L3 और इसका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर। अब ये देखो L की पावर कितनी हो जाएगी, 6 या 9, 6 बताया था, पावर की अगर पावर लगी हो तो उन पावर का हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 3 × 6 हुआ, प्लस का 6 ये है और माइनस का 1 ये है, कितना बचा, 5 ही तो बचा, तो M L की पावर 5 और T की पावर -2, ये आंसर हो गया, A की डायमेंशन आ गई। ठीक है,
हो गया. देखो इस पे एक सवाल जैसे ये है, ये पांच दिए हमें, बस इसमें से ये बताना है कौन सा है इसमें से जिसकी डायमेंशन RT की डायमेंशन नहीं है. RT पांच लिखे, इन पांच में एक ऐसा है जिसकी डायमेंशन RT की डायमेंशन के साथ मैच नहीं करेंगी. तो वो कौन सा इसमें से जिसकी RT की डायमेंशन मैच नहीं करेंगी, निकाल के बताओ जरा कौन सा होगा. कैसे करें इसे, लास्ट लास्ट वाला आया कोई? क्यों भी आया कुछ? फर्स्ट वाला बताओ, खड़े होकर बताओ कैसे. हाँ, L³ माइनस बी इक्वल टू RT के बराबर. ये पूरा RT के बराबर कैसे हो जाएगा, कैसे? इक्वल के द्वारा सबट्रैक्ट. तो इक्वल के साथ ये भी तो चीज लगी है जो मल्टीप्लाई में है इसके साथ. अगर ये दो चीजें मल्टीप्लाई में हैं तो ये इसके बराबर कैसे हो सकती है. अगर मान लो हमने लिख दिया मास और इनटू एक्सेलरेशन बराबर फोर्स, तो क्या ये बोल दिया जाएगा कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन फोर्स के बराबर है? बराबर तो तब बोला जाता है जब बीच में या तो प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो. अगर प्लस और माइनस का साइन नहीं है तो कभी नहीं बोल सकते ये हम. और इनके बीच में कौन सा साइन है, यहां मल्टीप्लाई का, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकता. चलो अभी बताओ कैसे, खड़े होकर बताओ जरा सही से कायदे के साथ. हाँ, क्या करें? और बी की डायमेंशन यहां से वॉल्यूम आ जाएगा. ठीक, ए का डायमेंशन ये रखा हुआ है ML5T-2. अरे या तो ये कर लो, इसको प्लस माइनस में अगर कन्वर्ट करा जाएगा तो क्या आएगा, देखो पी इंटू वी. अरे पी से इस वी को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस पी इंटू बी, यानी इस पी को इस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए और अपॉन में वी. इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बी से बी कैंसिल, ये बच जाएगा प्लस और माइनस माइनस ए और अपॉन वी स्क्वायर और इनटू बी बराबर कितने का आया, RT. काम खत्म. अब जितने भी प्लस माइनस ये लगे, इन सब की डायमेंशन किसके बराबर होंगी, RT. इसका मतलब RT की डायमेंशन किसके बराबर होंगी, PV के. तो PV तो लिखा ही है. RT की डायमेंशन किसके और बराबर होंगी, P इंटू बी के, लिखा है PV. इसकी डायमेंशन इसके भी बराबर होंगी A अपॉन V के. इसकी डायमेंशन इसके भी बराबर होंगी A अपॉन V स्क्वायर इंटू बी के. बस ये वाला गड़बड़ कर गया, ये इसके बराबर नहीं होंगी.
सही है, बस यही वाला आंसर हो जाएगा a इंटू बी, इसकी डायमेंशन आर टी की डायमेंशन नहीं है, बाकी सबकी डायमेंशन है। ठीक है, ठीक। अब आगे देखो बढ़ते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है डायमेंशन का। यूजेस, पहला यूज ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि डायमेंशन का सहारा हम लेते हैं जब हमको कोई फार्मूला चेक करना हो कि ये फार्मूला सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायमेंशन का, पहला यूज। दूसरा यूज है डायमेंशन का टू ड्राइव ए रिलेशन। सही है, कोई भी फार्मूला बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डायमेंशंस का। फिजिक्स का कोई भी फार्मूला तुमको अगर बनाना है तो तुम डायमेंशन का सहारा लेकर के उस फार्मूले को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन वो फार्मूला जो निकल कर का आएगा वो सिर्फ करेक्ट होगा डायमेंशनली, न्यूमेरिकली सही हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जैसे देखो, बहुत सिंपल सा कोई फार्मूला बनाना है हमें, जैसे मान लो ये बनाना, t बराबर 2 पाई और अंडर रूट l और अपॉन में g, ये बनाना। सिंपल पेंडुलम पे टाइम पीरियड का एक्सपेरिमेंट है ये, तो इसमें बोला जाएगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ रस्सी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीन चीजों पे निर्भर कर रहा है। देखा होगा सिंपल पेंडुलम, एक रस्सी होती है उसको लटका दिया जाता, नीचे एक मास लगा दिया जाता बॉब पतला सा लोहे का, उस बॉब का मास ये है और ये रस्सी की यहां से लेकर के यहां तक लंबाई है और ये उस जगह का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब इन तीनों के बीच में हमको रिलेशन बनाना, फार्मूला बनाना कि क्या फार्मूला होगा, तो उसके लिए पहले ये हो जाएगा टी बराबर कोई भी एक कॉन्स्टेंट के m और m की पावर लगाएंगे a, l और l की पावर लगाएंगे b और g, g की पावर लगाएंगे c। यानी जितने भी कॉन्स्टेंट ये हैं, फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी सबकी हमने पावर लगा दी। पावर ही को तो डायमेंशन बोला जाता है, पहली डेफिनेशन ही यही थी कि पावर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज डायमेंशंस, तो ये हमने डायमेंशन लगा दी इनकी। आप सबकी डायमेंशन लिख डालो, इसकी डायमेंशन हो जाएगी m0, l0 और t1। बताएगा तुमको अगर किसी की भी पावर जीरो लिख दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। और इधर की तरफ k तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं है। मास, मास की डायमेंशन क्या होना चाहिए, m, और m की पावर कितनी होगी यहां पर a। ये क्या चाहिए लेंथ, और लेंथ की पावर कितनी होना चाहिए b। ये क्या चीज है, जी क्या है, इसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए एल टी माइनस टू, क्योंकि ये होता है एक्सेलरेशन और पावर होगी c। बस अब इनको जरा अलग अलग कर डालो तो ये हो जाएगा m0, l0 और t की पावर 1। ये तो हो गया इधर का साइड, इधर का साइड हो गया m की पावर, टोटल पावर कितनी हो जाएगी a, और L की पावर हो जाएगी कितनी B, ये हुआ और प्लस C, ये हो गई। और T की पावर हो जाएगी कितना, T की पावर हो जाएगी माइनस का 2C, ये यानी माइनस का 2C बस। अब इनको हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कंपेयर करना। मैथमेटिक्स का एक रूल होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेस अगर सेम है तो इनकी अगर कुछ पावर लगी है तो ये पावर भी आपस में सेम होती है, रूल होता है। यानी इधर भी m है और इधर भी m है, तो अगर m और m सेम है तो इनकी पावर भी क्या होना चाहिए, सेम। यानी a की वैल्यू कितनी हो जाना चाहिए फिर, जीरो। इधर भी l है और इधर भी l है तो फिर इस हिसाब से b प्लस c ये जुड़ करके क्या हो जाना चाहिए, जीरो। और इधर माइनस टू सी और उधर कितना है वन, तो माइनस टू सी बराबर कितना हो जाना चाहिए वन, तो सी कितना आ जाएगा माइनस का हाफ। अब सी को जरा यहां रख दो करके, तो ये हो जाएगा बी माइनस का हाफ बराबर कितने के, जीरो के, तो फिर बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस का हाफ, ये भी आ गया। बस तीनों वैल्यू निकल गई, अब फार्मूला तैयार हो गया। टी बराबर के
अंडर रूट ये सॉरी एल मतलब एम और एम की पावर है ए और ए कितना आया है जीरो, ये निकाला हमने। एल की पावर बी और बी कितना आया है प्लस का हाफ। जी की पावर सी और सी कितना है माइनस का हाफ। किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है वन, तो ये क्या चीज हुआ कॉन्स्टेंट, और ये हुआ एल की पावर हाफ और जी की पावर हाफ को चाहो तो नीचे ले आओ ये, ठीक है। तो इस हिसाब से फार्मूला तैयार हो गया टी बराबर कॉन्स्टेंट के और अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, बस ये हो गया, यही फार्मूला होता है। तो हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं लेकिन ये फार्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यूमेरिकली ये वाली जो कॉन्स्टेंट है ये हमें मालूम ही नहीं है कितना है। तो इसीलिए डायमेंशन के दो तीन लिमिटेशन होते हैं, ये हर टाइप का फार्मूला नहीं बना सकते हो तुम इससे। क्या क्या लिमिटेशन होते हैं देखो, पहला तो इसकी ये जो कॉन्स्टेंट है इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालना डायमेंशन के सहारे से ये डायमेंशन की औकात से बाहर की बात है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशन से नहीं पता कर सकते। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया कि किसी भी फार्मूले में जो कॉन्स्टेंट आते हैं इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हम नहीं पता कर सकते। जैसे यहीं पर आता है टू पाई आता है तो टू पाई नहीं पता चल पाएगा। जैसे रेट वाला फार्मूला था पाई डेल्टा पी अपॉन एट, तो पाई भी नहीं पता चलेगा एट भी नहीं पता चलेगा। जैसे अभी टी बराबर टू पाई आर क्यूब अपॉन जी एम आया तो वहां नहीं पता चल पाएगा, आर क्यूब मतलब टू पाई नहीं पता चल पाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं पता कर सकते। दूसरी गड़बड़ी यह है कि इस फार्मूले में हम जैसे बनाना चाहें सोचें कि b बराबर u प्लस at तैयार कर लें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहां पर जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो डायरेक्ट रिलेशन वाले डायमेंशन लिखते हैं डायरेक्ट, है ना। जैसे यहां लिखा दो t डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन दिस दिस दिस, ये नहीं लिखा कि t डायरेक्टली डिपेंड ऑन दिस प्लस दिस, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। यानी कोई भी ऐसा फार्मूला जिसमें प्लस या माइनस आता हो उस फार्मूले को हम डायमेंशन के सहारे से ड्राइव नहीं कर सकते। और तीसरी गड़बड़ी इसकी यह है डायमेंशन के सहारे से कोई भी ऐसा फार्मूला हम नहीं बना सकते जिसके अंदर तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी आती है, वो नहीं बना सकते हो। जैसे ये है यही रेट वाला भी जो फार्मूला हमने पढ़ा था, रेट बराबर पाई डेल्टा पी आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल, ये नहीं बना सकते हो तुम, क्योंकि इसके अंदर देखो कितनी हो गई 1 2 3 4, चार हो गई, चार वालों को नहीं बना सकते हो, चार से कम बना सकते हो। यानी फिजिकल क्वांटिटी अगर चार नहीं तीन है या तीन से कम है तो फिर फार्मूला तुम बना सकते हो, और अगर इससे ज्यादा है तो फार्मूला नहीं बनेगा कभी भी। ये डायमेंशंस की लिमिटेशन होती है तीनों, सही है। थ्योरी के अंदर पूछा जा सकता है या सर्सन रीजन में पूछा जा सकता है एम्स में, ठीक है। तो इनको लिख लो इस स्टेटमेंट के फॉर्म में, लिखो क्या कर दिया उसको, वहीं लगाओ जहां लगा। देखो डायमेंशंस मे बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एनी रिलेशन, फॉर क्रिएटिंग एनी रिलेशन but with some limitations। कुछ लिमिटेशन है इसकी, पहली लिमिटेशन लिख लो value of constants cannot be determined, value of constants
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी जो भी कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हम डायमेंशन के सहारे से नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात लिख लो, रिलेशन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, रिलेशन कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन कैन नॉट बी ड्राइव्ड, यानी ऐसे फार्मूले जिसमें प्लस माइनस अगर आता है उन फार्मूलों को हम इसके सहारे से नहीं निकाल सकते। तीसरा, एनी रिलेशन कंटेनिंग सही की जगह और खराब कर दिया गया, एनी रिलेशन कंटेनिंग मोर देन थ्री फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी ड्राइव्ड। ये सही करो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हें इसमें। ठीक है, कैन नॉट बी ड्राइव्ड। और बाकी यही तरीका होता है, इसी तरीके से सबसे पहले हम जो भी दे रखा है उनके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज में, जैसे यहां टाइम पीरियड है, दो तीन चीज तीन दे रखी है। अब देखो ये जो लास्ट वाली बात हमने बोली कि तीन से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी वाले फार्मूले को हम इससे नहीं बना सकते, उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहां पर हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, तीन है, ये तीन। तीन के अलावा अगर चौथी फिजिकल क्वांटिटी यहां पर MLT है तो उसके अलावा चौथी कोई फिजिकल क्वांटिटी मास लेंथ टाइम के अलावा यहां पर नहीं रख सकते हम। और इधर मान लो चार बार आ गया, जैसे ये आ गया, देखो R और L इन दोनों की डायमेंशन सेम होएंगी, इसकी भी डायमेंशन L है और इसकी भी डायमेंशन L है, तो अगर इसकी पावर भी A लगाएंगे और इसकी पावर भी B लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी की दो अलग अलग पावर हम नहीं लगा सकते हैं। और यहां पर क्योंकि हमारे पास कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, तीन है, तीन। और अगर इधर तुमने वैल्यू रख दी चार, यानी ए बी सी और डी भी रख दिया, तो फिर इन चार चीजों को तीन चीजों के साथ कंपेयर कैसे करोगे? क्योंकि चार चीजों को कंपेयर करने के लिए अगर इधर चार हैं तो उधर भी कितने होना चाहिए, चार, जबकि इधर चार हो ही नहीं सकते क्योंकि इधर कितने हो सकते हैं, तीन बस। हाँ, अगर इधर कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें चार आते हो तो कर सकते हो तुम, सही है। तो इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पर वैल्यू आ जाएंगी चार और यहां पर हमारे पास कॉन्स्टेंट है तीन, तो इसीलिए कंपेरिजन नहीं होगा, जब कंपेयर करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से तीन से चार ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को हम इससे क्रिएट नहीं कर सकते हैं फार्मूला। ठीक है, ठीक। देखो आप इसमें बेस सवाल है, बस ये करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, 26 में देखो दिया गया है, अगर एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स को फंडामेंटल मान लिया जाए तो मास की डायमेंशन लिख के बताओ, मास की। देखो दो तरीके हैं, एक थोड़ा लंबा तरीका होता है इसको सॉल्व करने का और एक थोड़ा शॉर्ट है, दोनों तरीके बता देते हैं, जो तुम चाहो लगा सकते हो। टाइम थोड़ा इस सवाल में लगता है, देखो कैसे हमको दिया है, अगर एनर्जी को, वेलोसिटी को और फोर्स को, यानी इन तीनों को फंडामेंटल मानो। वैसे तो हमारे पास फंडामेंटल ये थोड़ी ना होती है, फंडामेंटल क्या होती है, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, एम्पियर है, ये सब होते हैं, ये फंडामेंटल कहां होते हैं। तो कह रहा है इन के फॉर्म में जरा मास की डायमेंशन लिख के दिखाओ, मास की, तो मास को इन तीनों पर डिपेंड करवा दो, फिर अगर लिखवाया गया ऐसा तो उसके बाद इन सब की डायमेंशन लिखो। तो m बराबर, m की पावर, तो m की डायमेंशन जो है वो m ही रखो, चलो इसको m बराबर k कांस्टेंट या इसी हटा दो, एनर्जी, और एनर्जी की पावर कितनी लगाएं, a,
वेलोसिटी की पावर कितनी लगाएं बी, और फोर्स की पावर कितनी लगाई जाए यहां पर सी। डायमेंशन लिख दिया हमने। अब इन सब की डायमेंशन लिखो, ये तो मास है और मास की डायमेंशन क्या होती है एम, एल जीरो और टी जीरो, क्योंकि मास के पास सिर्फ एम होगा, एल और टी इसलिए लिख लिया जाता है क्योंकि हमको क्या करना पड़ता है इधर और उधर कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर मान लो एल नहीं आया या टी नहीं आया या मास नहीं आया तो उसकी जगह जीरो लगा दिया जाता है ताकि कंपेयर कर सके। एनर्जी की डायमेंशन बोलो क्या होगी, एम एल टी टू टी माइनस टू, इसकी पावर कितनी होगी ए, ये तो हो गया एनर्जी। वेलोसिटी क्या होगी एल टी माइनस वन, पावर कितनी होगी इसकी बी, और फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और पावर कितनी होगी इसकी सी। तीनों की अलग अलग पावर लगा दी हमने। अब इनको अलग अलग बांट देते हैं, बोलो मास के, मास की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक तो ए हुआ और प्लस सी हुआ, ए प्लस सी ये होगी मास की पावर। एल की क्या हो जाएगी, एल की क्या हो जाएगी टू ए प्लस बी और प्लस सी, ये तीन जगह है ना एल लिखा हुआ, यहां भी लिखा देखो दो ए तो ये हो गया और एक यहां लिखा बी हो गया और यहां पर लिखा ये सी हो गया, जोड़ दिया तीनों को। और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा टी की पावर माइनस का टू ए और माइनस का बी और माइनस का टू सी, ये हो गया टी। और बाकी इधर हमारे पास है एम जीरो एल जीरो और टी की पावर जीरो, एम जीरो नहीं है एम वन है, सही है, बस ये हो गया देखो। अब यहां पर हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन क्या आई बताओ, पहली इक्वेशन में क्या होगा ए का और सी का जो सम है यानी ए प्लस सी जो है ये किसके बराबर हो जाएगा वन के, और दूसरी इक्वेशन में टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के हो जाएगा जीरो के, और तीसरी इक्वेशन में हो जाएगा माइनस का टू ए माइनस का बी और माइनस का टू सी बराबर कितने के जीरो के, तीन इक्वेशन बन गई सही है। अब इन तीन इक्वेशन को सॉल्व करके तुमको ए की बी की और सी की वैल्यू निकालना, तो ये इक्वेशन सॉल्व करना तुमने नमे उमे क्लास में सीखा होगा, ये तीन वेरिएबल की इक्वेशन है तीन, तो इनको ऐसे सॉल्व तो नहीं हो कर सकते ये इतनी आसानी से। कभी भी अगर तीन वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना है तो तुमको पहले इनको दो वेरिएबल में बदलना पड़ेगा तब सॉल्व होती है इक्वेशन, यानी इनके अंदर तीन वेरिएबल का मतलब तीन तीन आ रहे हैं, ये देखो तीन तीन इनके अंदर और इसके पास दो है, तो तुम कुछ ऐसा करो कि इन इक्वेशन में से ऐसा इनको बदलो ताकि बी गायब हो जाए, और बी गायब जब हो जाएगा तो क्या बचेगा ए बचेगा और सी बचेगा, फिर जब ए सी बच जाएगा तो तुम ए और सी की वैल्यू निकाल लेना। तो उसके लिए देखो क्या करना चाहिए, हमको इस इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं एड टू एंड थ्री, ये है दो और तीन को अगर जोड़ दिया तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और 2a से 2a भी कैंसिल हो जाएगा, ये और फायदा मिल गया हमको, तो डायरेक्ट c की वैल्यू आ जाएगी, कितना आया माइनस सी बराबर जीरो, यानी c की वैल्यू कितनी आई निकल करके यहां से जीरो, एक पता चल गई। अब c की वैल्यू अगर तुम इस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो तुम्हें ये a पता चल जाएगा, है ना, पुट a इन इक्वेशन वन, तो a प्लस सी बराबर वन है और ये हो जाएगा a प्लस जीरो बराबर वन, तो a की वैल्यू भी पता चल गई वन आ गई। बस अब तो एक चीज बची और एक चीज कौन सी बची c, अब इस वैल्यू को पुट कर दो ले जाकर के, पुट a एंड c इन टू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो ले जाकर, सेकेंड में पुट कर दो चाहे थर्ड में पुट कर दो, सेकेंड वाली इक्वेशन हमारे पास है टू ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने के जीरो, तो ये वैल्यू हो जाएगी दो और ए की वैल्यू होगी वन और बी की वैल्यू हमको निकालना है सी की।